हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोगों ने सम सॉल्व किए डेटस मैनेजमेंट के। नहीं किए तो मेहरबानी करके पहले वो सम सॉल्व कर लो। इसमें मैं मॉड्यूल के एक्स्ट्रा सम्स और भी सम्स हैं जो मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द एक्स्ट्रा सम्स ऑफ डेटस मैनेजमेंट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं अपन। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट बुक में आ जाइए। संदेश सर ने ऑलरेडी सुबह सुबह एक अच्छा मैसेज दिया है। ये बोला है कि भाई सब लोग डिसिप्लिन में बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, वो सब ध्यान दे दो जरा। चलो, कमिंग बैक। स्लो प्लेयर्स आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर्स। कैलकटा एंड हैव अप्रोच द सेलर फॉर एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इनेबलिंग देम टू परचेज गुड्स फ्रॉम गुड डीलर्स। ओके, तो स्लो प्लेयर्स अपना कस्टमर है जो गुड डीलर से बाई कर रहा है। वी आर गुड डीलर्स। ओके, ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल्स इमर्जेस इन रिगार्ड टू स्लो प्लेयर। स्लो प्लेयर पेमेंट कैसे कर रहा है वो देखते हैं। वो पैटर्न उसका ऐसा है कि जो भी बिल अमाउंट होगा उस बिल अमाउंट को वो टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करता है। मतलब 30 डेज के बाद 15% पे करता है, फिर 34%, फिर 30%, फिर 20%, फिर 1%। आई गेस इसका टोटल अगर हम लोग करेंगे तो इसका टोटल बिल भी 100%। तो 100% बिल, और उसमें भी लास्ट वाला पेमेंट उसने बैड डेट्स करता है। वो देखो ना, नॉन रिकवरी। तो सर इसको बेचते क्यों है? अरे भैया नहीं पता होता है, पास्ट परफॉर्मेंस है उसका। अब उसको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए वो सोचना है। स्लो प्लेयर वॉन्ट्स टू एंटर इन टू फर्म कमिटमेंट परचेज ऑफ 15 लाख इन 2012। डिलीवरी टू बी मेड इन इक्वल क्वांटिटीज फॉर द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। ये डिलीवरी कैसे देनी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं अपने लिए। अपने लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको पूरे साल में 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपीज़ का सेल्स करेंगे पूरे साल भर में, जिसका पेमेंट वो टुकड़े टुकड़े में देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 15 लाख को डिवाइड करूँ बाई से 4 क्वार्टर के हिसाब से, 3,75,000 के बिल्स बनेंगे। एवरी टाइम वी विल रेज द 3,75,000 का बिल, ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, इसको आइधर आप क्वार्टर तरीके से सॉल्व करके मल्टीप्लाई बाय 4 करिए या पूरा 15 लाख के साथ सॉल्व करिए, दोनों भी आंसर सेम ही आएगा। द प्राइस पर यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज 150, ऑन विच सेलिंग प्राइस 150 है, जिसपे प्रॉफिट 5 रुपीज पर यूनिट होने वाला है। इट इज एंटिसिपेटेड बाई द गुड डीलर दैट टेकिंग अप दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड मीन एन एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंडिचर। अच्छा, इस रायते को अगर उठा लिया तो 5,000 रुपये अपने एक्स्ट्रा खर्चे होने हैं। इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड इज 24%। हमको भाई देखो, हम किसी को भी माल बेचेंगे तो हमारा एक उम्मीद है कि भाई हमको 24% कमाने मिलना चाहिए, तभी हम लोग उस चीज़ में हाथ डालते हैं। मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन डेटर शुड बी 24% एटलीस्ट। वुड यू एज अ फाइनेंस मैनेजर रिकमेंड दैट कि हम इसको बेचें? डिसम्बर 8 मार्क्स को पूछा था, मॉड्यूल में भी ये सम है, तो मॉड्यूल के एंगल से एग्जाम में पूछा हुआ है। सो लेट मी सॉल्व दिस सम। एवरीबडी जस्ट लुक एट द सम एस्पेक्ट्स वंस अगेन। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ये सेल्स दिया है, ये उसका सेलिंग प्राइस दिया है, ये उसका प्रॉफिट है। तो चल मुझे ज़रा हेल्प कर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं अपन। एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 7 वी आर सॉल्विंग। पहले मुझे बताओ क्या क्वांटिटी बाई करने वाला है स्लो पेयर्स। तो 15 लाख रुपीज है डिवाइड बाय 150 रुपीज का, 15 लाख डिवाइड बाय 150 रुपीज कम्स टू 10,000 यूनिट्स, ये वो बाई करने वाला है। मान लो अगर वो बाई करता है तो हाउ मच प्रॉफिट वी विल मेक। 10,000 पे वी आर गोइंग टू मेक 5 रुपीज का प्रॉफिट, विच इज 50,000 रुपीज, उससे हमको फायदा होने वाला है। मतलब ये रायते को अगर उठाया तो 50,000 रुपये अपन कमाएंगे। ओके, बट क्या सिर्फ 50,000 रुपये अपना कॉस्ट है कि उसके अलावा भी और कॉस्ट हो सकता है? देखो प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो, सेलिंग प्राइस जो था, सेलिंग प्राइस इज 150 रुपीज, जिसमें से 145 रुपीज तो अपना कॉस्ट है बॉस। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट है, इसलिए 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो अपना कॉस्ट है वो है इंटरेस्ट कॉस्ट इन डेटर, सो वो अपने को निकालना है। सो व्हाट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड, कॉस्ट एसोसिएटेड टू
अबव डिसीजन। सबसे पहली चीज मुझे निकालनी, इंटरेस्ट कॉस्ट इन एवरेज डेटर, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना आएगा। दूसरा एक है रिकरिंग कॉस्ट, है पता है, रिकरिंग एक्सपेंस होने वाला है साल भर में, पर एनम, विच इज अराउंड 5,000। तीसरा है बैड डेट्स, विच इज आई गेस 1% ऑफ द सेल्स वैल्यू। बस ये अमाउंट निकालूंगा, इसको कंपेयर करेंगे 50,000 से। अगर ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, बेनिफिट कम है, तो लेट मी कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ये अपने को निकालना है, ठीक है। चलो उसके लिए नीचे एक वर्किंग बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर फॉर इंटरेस्ट कॉस्ट इन एवरेज डेटर्स। ध्यान दो, अब हम लोग बोल रहे हैं बिल अमाउंट को वो तोड़ तोड़ के अपने को पैसे देगा। तो अब अगर मेरा 15 लाख रुपीज सेल्स है एंड ही इज गोइंग टू मेक द पेमेंट लाइक दिस, 15%, 34, 30%, 30, ये तो बैड डेट्स हो गया, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना। तो 15% ऑफ द बिल अमाउंट, तो दिस इज देयर। अब अगर मैं इसको 15% करूं तो मुझे अपने को मालूम पड़ जाएगा ये पूरे साल भर का सेल्स है। तो पहले डेटर निकाल लो, डेटर कितना। तो डेटर निकालने जाओगे तो सर 30 डेज निकालना है कि 60 डेज, कि 90 डेज, कि 100 डेज। तो डेज अलग है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको अपन ब्रेकअप कर लेते हैं, रुक जाओ भाई रुक जाओ, चल बेटा इरेजर खराब हो गया मेरा लग रहा है। चलो तो इसको अपन टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं, 15%, 34%, और कितना है भाई, 30% एंड 20%। सो लेट मी डिवाइड 15 लाख को 15%। साथ में रहिए, सम को देखिए, 34%, 5, 10, 30%, 450 एंड 15 लाख का 20%, दैट कम्स टू 3 लाख। दिस इज अ ब्रेकअप आई डिड। अब मुझे क्या करना है, ये सेल्स अमाउंट है, मुझे इसका डेटर निकालना है। तो भाई अगर तुझे याद हो तो ये 30 डेज में पे करने वाला है। दिस इज गोइंग टू पे इन 60 डेज में, है ना। ही इज गोइंग टू पे दिस इन 90 डेज, ही इज गोइंग टू पे दिस इन 100 डेज। 360 डिवाइड करने से डेटर मिल रहा है, तो दिस विल गिव मी द डेटर अमाउंट। ये सारे बॉक्सेस डेटर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको कितना कमाना है, 24% कमाना है, तो हर किसी में 24% मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन डेटर, पहले डेटर निकाला फिर 24% मल्टीप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। टका टक कर दो, 2,25,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 24%, 4,500 आया। 5, 10, जरा कैलसी चलाओ रे बेशरम लोग, इंटू 60 डिवाइड बाई 360 इंटू 24%, 20,400। 4,50,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 360 इंटू 24%, 27,000। एंड 3 लाख इंटू 100 डेज डिवाइड बाई 360 इंटू 24% कम्स टू राउंडेड ऑफ 20,000। टोटल निकाल लेते हैं, सो 20,000 प्लस 27,000 प्लस 20,400 प्लस 4,500 कम्स टू 71,900 इज आवर इंटरेस्ट कॉस्ट। यही इंटरेस्ट कॉस्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क डाला था ना, ये मिल गया। अब क्वेश्चन मार्क निकाल दिया मैंने, कितना बोला, 71,900। सो टोटल कॉस्ट इज
71,900 प्लस 15,000 कम्स टू 91,900। आ जाओ इधर चेक करो। अब तेरा ये रहा। सो यू हैव नाउ गॉट द अमाउंट कॉल्ड, दिस इज द बेनिफिट एंड दिस इज द कॉस्ट। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप खुद बताओ, लॉजिकली क्या कंक्लूजन होना चाहिए बोलो, बोल बे बेशरम। कंक्लूजन वी शुड नॉट, डील सॉरी सेल, वी शुड नॉट एंटर इनटू एनी कमिटमेंट विथ स्लो पेयर्स बिकॉज इट वुड इनकर लॉस ऑफ रुपीज माइनस रुपीज 50,000 का प्रॉफिट 41,400। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। आर यू क्लियर विद दिस? ये क्वेश्चन था 8 मार्क के लिए। देख लो क्वेश्चन पहले। इसको बेनिफिट भी बोल सकते हैं। इजी, कुछ नहीं, इसमें बिल्स तोड़ तोड़ के अपने को पेमेंट मिल रहा है, उसके हिसाब से अपन ने सॉल्व किया है। चलो वेरी गुड। एक और सम है डेटास मैनेजमेंट में, वो भी सॉल्व कर देता हूँ, तो तुम्हारा क्या डेटास मैनेजमेंट के सारे सम्स हो जाएंगे मॉड्यूल के। क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ। आपको वीडियो रिकॉर्ड रुका के पहले सॉल्व करना है बकायदा, और उसके बाद जंप करना है। मैं अगर 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने चाहिए। डोंट डोंट हरी, फटाफट सोचोगे लेट के वीडियो देख के खत्म कर दो, मेहरबानी करके मत कर ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। इवन जो तेरे फ्रेंड्स होंगे जो लोग CMA कर रहे होंगे, अगर उनको तुमको लगता है कि उनको शेयर करना है तो प्लीज शेयर, देर इज नो प्रॉब्लम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ स्मॉल कंप्यूटर कंपोनेंट, द कंपोनेंट इज सोल्ड फॉर 1,000 रुपीज। कंपोनेंट इज सोल्ड फॉर 1,000 रुपीज, दिस इज सेलिंग प्राइस। उसका वेरिएबल कॉस्ट 700 है। द कंपनी सोल्ड ऑन एन एवरेज 300 यूनिट्स एवरी मंथ। अच्छा, तो एवरी मंथ अगर हम लोग 300 यूनिट्स बेच रहे, इसका मतलब साल का कितना हुआ रहे, महीने का हुआ ना ये, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो साल का हो जाएगा। एट प्रेजेंट द कंपनी ग्रांट्स 1 मंथ क्रेडिट। फिलहाल के लिए जो कंपनी क्रेडिट दे रहा है वो 1 महीने का है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सटेंड द क्रेडिट टू 2 मंथ्स। ओके, तो हमको पता है कि जब भी क्रेडिट पीरियड हम लोग इंक्रीज करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट। हाउएवर उसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ता है, तो इंक्रीज इन सेल्स एक्सपेक्टेड 25%। ठीक है, इंक्रीज इन स्टॉक एंड क्रेडिटर। सर ये क्या आइटम आ गया नया, हमने तो सुना था। होता है ना बेटा, अगर तू प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ना, अगर तेरे को सेल बढ़ाना है तो। अभी तक हमको क्या लगता था कि हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ डेटर में, तो हम डेटर का अमाउंट कैलकुलेट करके छोड़ रहे थे। अब कैसा है, अपना गोडाउन में स्टॉक भी बढ़ रहा है और क्रेडिटर से अपने को बेनिफिट भी आ रहा है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट डेटर वी ऑल्सो हैव इंक्रीज इन डेटर, तो है अपना स्टॉक भी बढ़ रहा है एंड क्रेडिटर से बेनिफिट भी आ रहा है। तो दिस बोथ आर करेंट असेट्स एंड दिस इज करेंट लाइबिलिटी, बेसिकली वर्किंग कैपिटल में चेंज हो रहा है। शुड द कंपनी एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स इफ ऑल कस्टमर्स अवेल द एक्सटेंडेड 2 मंथ्स। मतलब जो स्कीम हमने लाई है वो सभी कस्टमर लोग बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब पुराने भी नए भी, ऑल मतलब यहां पर ऑल मतलब हो गया ओल्ड प्लस न्यू।
एंड ओनली न्यू कस्टमर अवेल द 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, मतलब ओनली न्यू, मतलब या तो आप पब्लिक करते हो, अनाउंसमेंट करते हो कि 2 मंथ्स क्रेडिट फॉर एवरीवन, या तो आप प्राइवेटली जो बंदा खरीद नहीं रहा था उसको आपने कान में जाके बोला बेटा तू खरीद ले, 2 महीने का क्रेडिट तेरे को देता हूँ, बाकी लोग को नहीं बोला, तो ऐसा भी स्कीम्स होता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस एवरीबॉडी, नाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में दम नहीं है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा नया लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, इवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है, पार्ट ए, ऑल कस्टमर्स अवेल न्यू पॉलिसी। चलो भाई स्केल आ जाना, तो अपना we have a particulars column and I need 2 columns, amounts के लिए। particulars this is current policy and this is proposed क्रेडिट पीरियड 1 मंथ एंड अभी 2 मंथ प्रपोज्ड है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। ध्यान दो, चलो मुझे पहले बताओ हम लोग कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी। देख 300 पर मंथ था, तो 300 पर मंथ इंटू 12 किया, 3600 साल भर का हुआ, विच इज गोना इंक्रीज बाई 25%, तो प्लस 25%, मतलब 4500 हो गया। दिस इज द क्वांटिटी आई रोट, सेल्स एट द रेट आई गेस 1000 रुपीज है, 36 लाख, and this comes to 45 lakhs. Let's minus variable cost at the rate 700. 3600 into 700 comes to 25 lakh 20,000. 4500 into 700 करेंगे तो 31 lakh 50,000 का variable cost है। माइनस कर देते 36 लाख माइनस 25 20 कम्स टू 10 लाख 80,000 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लिखो मत रे, रुक जाओ, 45 कैल से चलाओ चाहिए, तो 4500 3150 कम्स टू 13 लाख 50,000 कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। थोड़ा सा और चाहिए मुझे लाइन, मेरे को लग रहा है कंट्रीब्यूशन के बाद। चल बता, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग फॉर अ फिक्स कॉस्ट। इज देयर एनी बैड डेट्स गिवन इन द क्वेश्चन? I don't see any bad debts. So there is only one cost, which is interest cost in, अभी तक हम लोग debtors लिखते थे, अब मैं लिख रहा हूँ working capital, because सिर्फ debtor में change हो रहा है, उस वजह से ऐसा नहीं है, पूरा working capital ही बदल रहा है अपना, है ना। In short मतलब यहाँ पर बोलने का meaning है कि तेरा debtor में भी change हो रहा है, स्टॉक में हो रहा है, और बेनिफिट आ रहा है क्रेडिटर का, उस तरीके से अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलो इसको ध्यान देंगे कैसे करना है।
पहला लुक एट द अजम्पशन क्या लिखा है सबसे टॉप पे, ऑल कस्टमर्स अवेल न्यू क्रेडिट पॉलिसी। तो डेटर कैसे निकालोगे वो बताओ मुझे, हाउ विल यू कैलकुलेट अ डेटर। तो देखो 36 लाख का डेटर था पहले, 36 लाख को डिवाइड बाय 12 किया, यस और नो? डिवाइड बाय 12 इनटू 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, 1 मंथ, सो 3 लाख रुपीज का डेटर आता है यहाँ पे, 3 लाख रुपीज का डेटर आया। तभी स्टॉक और क्रेडिटर जो था वो था। अब डेटर कितना हो रहा है वो बताओ, इफ एवरी वन इज अवेलिंग तो 45 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ, 7,50,000 का डेटर हो जाएगा। उसके साथ में स्टॉक भी बढ़ेगा विच इज 1,50,000 का स्टॉक बढ़ेगा, और 60,000 का क्रेडिटर से बेनिफिट्स आ जाएगा। इट्स लाइक दिस, सो इफ यू लुक एट दिस एस्पेक्ट्स सो यू विल अंडरस्टैंड इट्स नॉट ओनली डेटर विच इज गेटिंग अफेक्टेड, द एंटायर माई वर्किंग कैपिटल इज गेटिंग अफेक्टेड। तो पहला जो 3 लाख है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट कॉस्ट का रेट है, क्या रेट है इंटरेस्ट कॉस्ट का, ये देखो 30% है, 30%। सो चलो 3 लाख का 30% कितना आएगा, मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ, 3 लाख का 30% इज एट द रेट 30% कम्स टू 90,000। सो लेट मी टेक हियर 90,000। मैंने डेटर को कॉस्ट पे नहीं लिया, सेल्स पे लिया, क्योंकि मैंने सेल्स को लेके डिवाइड बाय 12 करके इनटू 1 मंथ किया तो 3 लाख लिखा है ना। तो डेटर्स ऑन विच बेसिस, सेल बेसिस, कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, याद है कॉस्ट बेसिस सेल्स बेसिस वैसा। फिर 7,50,000 प्लस 1,50,000 माइनस 60,000 8,40,000 आता है। तो 8,40,000 का 30%, सो 2,52,000 अपने को इंटरेस्ट लगेगा, मतलब क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज एज गुड एज घर से पैसा लाना पड़ा, तो वही मतलब बैंक से बोरो किया उसके हिसाब से। तो चलो बता दो नेट प्रॉफिट क्या आएगा, व्हाट विल बी माय नेट प्रॉफिट। सो 10,80,000 माइनस 90,000 इज 9,90,000 आ रहा है। 13,50,000 माइनस 252 कम्स टू 10,98,000। स्टिल दिस पॉलिसी इज बेटर, न्यू वन इज बेटर। अब यहां पर नया जो आया है, नया आइटम जो आया है वो यही है सिर्फ कि ये जो है ये नया आया है, पहले नहीं था, दिस इज अ न्यू पार्ट, है ना, कि सिर्फ डेटर इन्वेस्टमेंट इन डेटर नहीं बढ़ रहा है, अपना वर्किंग कैपिटल भी चेंज हो रहा है। तो अपन ने वर्किंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, नथिंग एल्स, ठीक है। दिस इज पार्ट ए, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इन द पार्ट टू। पार्ट टू में सब कुछ सेम रहेगा बेटा, सिर्फ 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 ये जो 3 लाख रुपीज है डेटर दिख रहा है उसमें नए डेटर्स पे आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या चेंजेस होगा, आई एम डूइंग अ चेंजेस हियर। तो मैं पूरा पार्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्ट का वो पोर्शन बता रहा हूँ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पार्ट बी क्या बोलता है वो, ओनली न्यू कस्टमर्स गेट 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, तो दिस विल अफेक्ट माई डेटर। और क्या, सी पहले वाले पार्ट का जो आंसर है वो सेम रहेगा, सेकेंड जो 2 मंथ वाला है ना उसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखो 45 लाख सेल्स है ना, उसमें दो पार्ट हो जाएगा, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड 30 लाख, 36 लाख है, एंड न्यू इज 45 लाख, सॉरी 9 लाख, ठीक है। सो इफ दिस पीपल विल गेट 1 मंथ का क्रेडिट, दिस पीपल विल गेट 2 मंथ्स का क्रेडिट। तो कैलकुलेट द डेटा, तो 36 लाख इसमें जो आएगा वही आएगा तुम्हारा, 3 लाख ही आएगा, एंड 9 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू 2 मंथ्स कम्स टू 1,50,000। सो टोटल डेटर वुड बी 4,50,000। ये जो 4,50,000 लिखा है इंस्टेड ऑफ 7,50,000 यहां पे दिखा रहा हूं, ये जो अमाउंट है इंस्टेड ऑफ 7,50,000 वहां पर लेंगे 4,50,000, बाकी सब सेम।
तो क्या फर्क पड़ेगा 4,50,000 प्लस 1,50,000 माइनस 60,000, फिर 5,50,000 आया, उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लीजिए 30%, 1,62,000 आएगा, मतलब दिस अमाउंट विल बिकम 1,62,000 एंड देन माइनस करके जो आंसर आएगा वो, और हर इसके नीचे कंक्लूजन लिखना है आपको पार्ट ए के नीचे, न्यू स्कीम इज बेटर, न्यू स्कीम और पॉलिसी इज बेटर एज इट वुड गिव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,98,000 माइनस 990, 1,08,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगा। सो लेट मी राइट वर्ड एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और कंक्लूजन लिख रहा हूं, ये आप सॉल्व करना, मैं इसी में लिख दे रहा हूं। सेम न्यू स्कीम इज बेटर, बेटर एज इट वुड गिव एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ रुपीज, निकालना पड़ेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ 7,50,000 2,52,000 अपने को वो लेना है, तो 1,350 में आंसर दे दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कर लियो। 11,88,000 आएगा इधर आंसर, दिस विल चेंज टू 11,88,000 इन सेकेंड पार्ट, और माइनस 990, 1,98,000 आएगा सेकेंड पार्ट में। ये आंसर में चेंजेस है, ठीक है। मैंने पार्ट बी को सॉल्व नहीं किया ठीक से, आप अच्छे से सॉल्व करिए उसको और आंसर्स निकालिए, आंसर यही आने वाला है आपका। तो दिस इज द पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा, एक मजे की बात ये है ना कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने इसमें देखो, कंसीडर डेटर सेल्स लिखा है, लिखा है कि नहीं, मतलब यहां पर तुम दिमाग लगा के उसको कॉस्ट पे मत करो, कॉस्ट बेसिस पूछा ही नहीं उसने, वो सामने से बोल रहा है क्या करना है सेल्स बेसिस, ये देखो इधर, तो सेल्स वैल्यू पे ही लेना है, मतलब डेटर को हमने कॉस्ट पे नहीं लिया, किस पे लिया सेल्स पे, लेकिन तेरे सजेस्टेड आंसर्स में जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है वो कंप्लीटली रॉन्ग है, वहां पर उन्होंने कॉस्ट बेसिस पे सॉल्व किया है। बोलने का मतलब ये है, ये जो यहाँ पर डेटर निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, सेल्स बेसिस पे कर रहे हैं ना बेटा, ये वाला, तो ये हमने सेल्स लिया, ये सेल्स लिया, वो लोग ने उसको कॉस्ट बेसिस पे करके सॉल्व किया है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है क्लियरली सेल्स बेसिस करो, फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन नहीं बोलता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुमने अज्यूम किया चलो कॉस्ट बेसिस, तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं बोला है तो बेटा तेरे पास चॉइस है, मैं बोलूंगा सेल्स बेसिस करो अनलेस पूरा कॉस्ट दिया है, अगर मान लो वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है फिक्स कॉस्ट भी दिया है तो कॉस्ट बेसिस करो, नहीं दिया है तो आप कंक्लूजन में लिखो कि मैंने कैलकुलेशन सेल्स बेसिस पे किया है, और कॉस्ट बेसिस पे करेंगे तो आंसर कुछ और आ सकता है, ऐसा तो चेक करने वाले को इतना आइडिया होता है कि इसको दोनों बेसिस से कर सकते हैं। आर यू क्लियर विद दिस, होप सो यू अंडरस्टूड दिस, अभी इसको कॉपी कर लो, एंड दिस वॉज ऑल योर डेटर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, और एक छोटा सा मैं एक से ही बोल देता हूं, जन हालांकि मैं बाद में पढ़ाने वाला हूं आपको, थियरी कॉन्सेप्ट है फैक्टरी, ये क्या होता है जैसे ऐसे सुन ले फटाफट, कंपनी क्या करता है मालूम है, कंपनी ने कस्टमर लोग को बेचा, डेटर लोग को, अब डेटर से पैसा लेना है तो कंपनी को मालूम है कि डेटर से पैसा उठाना है, तो कंपनी के लिए ये असेट है, ये इन्वेस्टमेंट है जिधर से पैसे मिल रहे हैं। कंपनी क्या करता है, कंपनी को ये मगजमारी चाहिए ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, अपना एक डिपार्टमेंट बनाया है एडमिन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या करता है कंटिन्यूस बेसिस पे डेटर से कनेक्ट रहता है, उनसे पैसा निकालता है, तो कंपनी के लिए ये बर्डन है कि पैसा निकालो, एक तो साला सामान भी बेचो, फिर पैसा निकालने के लिए रिकवरी का भी मगजमारी पालो,
तो कंपनी क्या करती है मालूम है, दे कॉन्टेक्ट सम पीपल हु आर एजेंट्स। ये एजेंट कौन होते हैं? ये एजेंट लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि आपके डेटर से पैसा हम निकाल के देंगे, तुम टेंशन मत लो, आप सिर्फ बता दो कौन कौन आपका डेटर है, पैसा निकालने का जवाबदारी हमारा। तो ये एजेंट जो होता है ये कंपनी के बिहाफ में जाता है इन लोगों के घर पे और इनको बोलता है मैं कंपनी से आया हूँ और आप पैसा दीजिए, और ये सारे पैसे रिकवर करके कंपनी को दे देता है। सो दिस इज द जॉब ऑफ दिस एजेंट। ऑब्वियस सी बात है ये फ्री में तो नहीं करेगा, इस बात के लिए ये एजेंट कमीशन लेता है, ठीक है। और इस एजेंट को टेक्निकली बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब कोई और नहीं, ये एजेंट, और इस अग्रीमेंट को, इस अरेंजमेंट को फैक्टरिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर मतलब एजेंट जो कंपनी के बिहाफ में जाके कस्टमर से पैसे कलेक्ट करता है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं मालूम है, मान लो मुझे 2 महीने के बाद पैसा आने वाला है, कंपनी को 2 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है, फैक्टर क्या बोलता है, आपको चाहिए तो आप अभी डेटर का नाम दो, मैं अभी आपको पैसा देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है अगेन वो कमीशन के अलावा आपसे इंटरेस्ट भी लेगा क्योंकि पैसा आपको एडवांस दे रहा है। तो ये फायदा होता है कंपनी को कि भाई अगर डेटर दे दिया, इसको लेस दे दिया, ये अभी पैसा दे देगा, बाद में ये कलेक्ट करेगा। तो एजेंट दो चीजें कमाता है, एक तो उसने पैसे आपको एडवांस में दिए उसका इंटरेस्ट कमाता है, दूसरा वो क्या कमाता है, कमीशन कमाता है। इससे रिलेटेड अपने बुक्स में सम्स नहीं है, हाँ थियरी के तौर पे ये पूछा जा सकता है। तो अपन एक सिंपल बात करूँ तो फैक्टर कौन होता है, एजेंट होता है जो कंपनी के साथ एक अरेंजमेंट करता है, एक अग्रीमेंट करता है टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, फॉर दिस अरेंजमेंट, फॉर दिस अग्रीमेंट ही चार्जेस कमीशन फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। समटाइम इट गिव्स एडवांसेस टू द कंपनी, ऑन दैट अमाउंट ही चार्जेस इंटरेस्ट। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फैक्टरिंग। सो ये थियरी था तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बोल दिया, आई यू क्लियर विद दिस? चलो इतना तुम्हारे लिए बहुत है, डेटर्स के लिए थियरी वगैरह ज़्यादा मत पढ़ो, जितना मैं बताऊँगा मैं उससे रिलेटेड जो भी होगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको थियरी समझा दूंगा, उतना तेरे काम का रहेगा। ओके चलो टेक केयर, बाय।